अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ वेज स्पेगेटीज। ये भी बहुत ही टेस्टी होती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो सबसे पहले मैं जो स्पेगेटीज को है वो बॉयल करके और स्टेन करके रख लूँगी, और इसमें मेरी हेल्प जो है वो मरियम करवा रही है उसको इस तरह के खाने पकाने, और खाने में मज़ा आता है। वरना वो आम जो डिशेस होती हैं, दाल चावल, दाल रोटी या कुछ इस किस्म की, वो उसे अच्छी नहीं लगती हैं। इवन सब्ज़ी भी कोई खास पसंद नहीं है उसे। अब मैं तमाम जो वेजिटेबल्स हैं उनको कट करके रख लेती हूँ। कैरेट है, कैप्सिकम है और कैबेज है। तमाम वेजिटेबल्स को जो है वो स्ट्रिप्स में काटना है। और इसमें लहसुन भी ना चॉप हुआ हुआ डालेगा, पिसा हुआ नहीं डालेंगे, इसको चॉप कर लेंगे बारीक। इसमें ना लहसुन का फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, तो इसलिए ना थोड़ा ज़्यादा लहसुन डालेंगे। सबसे पहले ऑयल गरम करेंगे और इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे, और लहसुन को अच्छा फ्राई करना है, हल्का फ्राई नहीं करना, डार्क कलर लाना है लहसुन का। इसमें फ्राई लहसुन की स्मेल ना बहुत ही अच्छी लगती है। अब लहसुन जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च, और हरी मिर्च को भी थोड़ा सा भूनना है, कच्ची नहीं रखनी है इसे। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे गाजर और शिमला मिर्च, और कैबेज जो है वो भी नहीं डालेंगे क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी नरम हो जाती है। सब्जियों को अच्छे से फ्राई करना है। अब मैं इसके अंदर सोया सॉस डालूंगी, और सोया सॉस तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। सिरका यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि सिरके से फ़ौरन गला पकड़ा जाता है बच्चों का। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चिकन क्यूब, और इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी कट की हुई कैबेज, गोभी डालूंगी मैं। गोभी आखिर में ज़्यादा गले ना, इसलिए आखिर में डालेंगे। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगी पिसी लाल मिर्च और नमक। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो स्पैगेटी सॉस, केचप, मायोनीज जो डालना चाहते हैं डाल लें। कुछ लोग इसमें बारबेक्यू सॉस भी डालते हैं, तो मगर मैंने तो सिंपल खिलानी है। मेरा तो ज़्यादा कोशिश होती है कि वेजिटेबल बच्चे खाएं, तो इसलिए मैं इसे प्लेन ही रखूँगी। अब ये रेडी है। अब मैं इसके अंदर स्पैगेटीज डाल दूंगी, और स्पैगेटीज को हाथ से डालना है, फैला फैला के, चमचे से नहीं डालना वरना वो जुड़ी जुड़ी सी रहेंगी।
और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मेरी वेज स्पैगेटीज जो हैं वो रेडी हैं। और बच्चों ने इसे बड़ा ही मज़े ले लेके खाया था, और उनका एक फ्रेंड भी आया हुआ था हसन, उसको भी बहुत पसंद आई थी। और अब ये जो है खाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे हर न्यू व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।